तो बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा के आज के नए अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब करने भी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के शिक्षक संवर्ग में 10 नई नियुक्तियां। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तैनात शिक्षकों में 5 प्रोफेसर और इतने ही असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार है, यहाँ पर नए शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। इसमें यहाँ पर प्रोफेसर के 22 स्वीकृत पद थे, 14 की तैनाती हो चुकी है। 7 एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 22 पद, 8 आपके जो है सीनियर रेजिडेंट के, और जो आपका डेमो स्टेंटर का है 16 पद। मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए स्वीकृत हैं 950 पद, तो इतने पद स्वीकृत किए गए हैं। अगर आप उत्तराखंड के अभ्यर्थी डिलीट करना चाहते हो उत्तर प्रदेश से, तो आज इसकी लास्ट डेट है, आप यहाँ पर आज आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि है। और वहीं यहाँ पर CAPF सिपाही की भर्ती देना चाहते हैं उत्तराखंड के अभ्यर्थी, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, यू ठीक है, आपका SSC जो भर्ती करवाता है, UPSC करवाता है इसका। और 14 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। इसमें कुल इसमें जो पद हैं उन ठीक है 39,481 पदों के लिए यहाँ पर जो है भर्ती आई हुई है, जो कि यहाँ पर निकाली गई है, अलग अलग पदों की भर्तियाँ। ठीक है, ये आपका जो है सचिवालय उत्तराखंड जो विद्यालय शिक्षा परिषद है उसके द्वारा निकाला गया है। इसमें यहाँ पर यूटेट और यूटेट फर्स्ट, यूटेट सेकंड दोनों का यहाँ पर जो है परीक्षा तिथि चेंज करते हुए जो है अब आपका परीक्षा तिथि 26 अक्टूबर के बजाय यहाँ पर 24 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, यानी कि 2 दिन पहले आयोजित करने की बात करेगी। उत्तराखंड के नर्सिंग क्षेत्र में मानवीय मूल्यों की अहम भूमिका। उत्तराखंड में बताया गया कि महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए जो है इंतजार, तो यहाँ पर देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में बताया गया कि स्थिति स्पष्ट न होने के कारण 52 जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति लटकी है। और प्राइमरी शिक्षा निदेशालय रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक शासन से जो है इस मामले में दिशा निर्देश मांगा गया है, और स्थिति स्पष्ट होने के बाद जो है नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे बताया गया है। पतंजलि विश्वविद्यालय को उच्च अंकों के साथ नैक का A+ ग्रेड। तो यहाँ पर देखते हैं कि पतंजलि को नैक का A+ ग्रेड दिया गया है। टिहरी के 22 स्कूलों में आधुनिक लैब बनेगी। तो यहाँ पर टिहरी की जो 22 स्कूल है वहाँ पर आधुनिक लैब बनने वाली है, और इन विद्यालय में बनने वाली है लैब के नाम हम लिखे गए हैं, और समग्र शिक्षा के तहत जो है 22 लैब निर्माण किए जाएंगे बताया गया है। उत्तराखंड के सरकारी सिस्टम पर अब नहीं चलेगा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया नहीं चलेगा, सुरक्षा के तौर पर लगाई गई है रोक। और जो कि 192 में से 58 वेबसाइट जो है ऐप चले, और इसमें जो है 10 वेबसाइट पर अभी भी जो है नहीं चल पाए, क्योंकि अभी परसों हाल ही में उत्तराखंड के सारे जो ऑफिशियल जितने भी गवर्नमेंट साइट से सारे हैक कर लिए गए थे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो फैसले लेने पड़ रहे हैं कि सोशल साइट नहीं चलाने पर रोक कर दी गई है। और 2 अक्टूबर को जो है उत्तराखंड के डाटा सेंटर पर जो है हुआ रन समवेयर अटैक बताया गया है, और 6 दिन बाद जो है मंगलवार को जो माकोप के रूप में जो है वो वायरस की पहचान हुई। तो वह माकोप नाम का एक वायरस था जिसकी पहचान हुई, और रन सैम अटैक यहाँ पर 2 अक्टूबर को किया गया था। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड में ब्याई युवतियों के प्रमाण पत्र ने उलझाया। तो देश में बेसिक से भर्ती में जो शामिल दूसरे राज्यों की महिलाओं की जो जाति प्रमाण पत्र है उनकी शिक्षा विभाग को उलझाया गया है, और इन महिलाओं को अभी नियुक्ति नहीं मिल पाई है, और फोर्थ वेट लिस्ट भी निकालने वाले हैं जल्दी इसकी। उत्तराखंड में प्रवक्ताओं की शिक्षा भर्ती की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि 613 पदों की जो प्रवक्ता शिक्षा भर्ती है उसका प्रस्ताव यहाँ पर जो है लौटाया, तो आयोग को जो है प्रस्ताव वापस ले लिए गए हैं, और इन पदों पर जो है अब आपकी भर्ती देखने को थोड़ा समय के बाद मिलेगा। और कहा है कि यहाँ पर 613 पदों की भर्ती प्रस्ताव लौटाए हैं, और इसमें राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के 37 आरक्षण के मामले में स्थिति स्पष्ट न होने पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शासन को जो है ये पद वापस कर दिए गए हैं। शासन ने बताया गया कि प्रवक्ता सामान्य की 550 और महिला शाखा के 63 पदों की भर्ती थी, इस पर जो है वापस कर दिए गए हैं। सामान्य श्रेणी के अलग अलग जो प्रक्रिया ठीक नहीं, इसको लेकर जो है लोक सेवा आयोग ने कहा कि शिक्षक भर्ती के लिए जो है सामान्य श्रेणी के पदों को अलग अलग प्रक्रिया से भरा जाना विधेयक रूप से ठीक नहीं है। शासन ने जो है यहाँ पर 8 अगस्त 2024 को भर्ती के लिए संशोधन प्रस्ताव भेजा था। अब ये दिव्यांग अभ्यर्थी के कारण जो है जो श्रेणीवार जो है विभाजित किया गया है, और उनमें जो है दिव्यांग कैटेगरी के 22 पद, महिला के जो है 2 पद सर्वे दर्शाए गए हैं, उनका चेंज करना है। विभाग में अभी तक जो टोटल पदों की संख्या है इसमें पोस्ट खाली है 3699 पद खाली हैं प्रवक्ता लेवल में, जो कि 11,170 पद स्वीकृत हैं, और प्रवक्ताओं के पद सबसे ज्यादा खाली है 3699 पद, जिनमें से 3,000
300 जो सामान्य पद के खाली हैं, 3,080 प्रवक्ता के पद ऐसे हैं जो महिला पद खाली हैं। अस्थायी तौर पर जो है व्यवस्थापक रखे जाएंगे 2,000 शिक्षक। तो यहाँ पर शिक्षकों की नई भर्ती जिसमें आपको जो है 2,000 पदों की भर्ती मिलेगी, वो भी अस्थायी तौर पर इसके लिए यहाँ पर इसका बताया गया है। और वही बात करें यहाँ पर अब सिविल की संस्तुति पर ही तबादले, तो 500 और शिक्षकों को मिल सकता है यहाँ पर ओपीएस का लाभ। तो बताया गया कि पुरानी पेंशन से छूटे 500 और शिक्षकों को जल्दी जो है एनपीएस से निजात मिल सकता है। बेसिक के 250 और करीबन 225 माध्यमिक शिक्षकों के प्रस्ताव को शासन परीक्षण कर रहा है, और 285 शिक्षकों को जो ओपीएस देने का आदेश पहले ही जो है जारी हो चुका है, तो अब और जारी होने वाला है। और ज्वाइन नहीं करने पर जो है प्रतिबंधित करने की संस्तुति। एलटी कैडर के शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों की प्रक्रिया में नया पैच फंस गया है। विषयवार रिक्त पदों के मुकाबले आवेदन दोगुने आए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक लीलाधर व्यास ने सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए अंतरमंडलीय तबादलों को लेकर पूर्व में जारी जीओ को संशोधित करने की सिफारिश की है। और वही बात करें यहाँ पर संयुक्त वरिष्ठता सूची में प्रवक्ताओं की अनदेखी, तो प्रवक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा ने प्रवक्ताओं की संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाने में सीधी भर्ती के प्रवक्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। कहा कि सूची बनाने में पदोन्नति प्रवक्ताओं को शामिल किया, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इनकी जानकारी मिली है, ऐसा भी बताया गया है। ज्यादा छात्र वाली स्कूलों में भेजे जाएंगे शिक्षक, तो सरकार अब नया फैसला ले रहा है। इसमें कहा गया है कि राज्य के सरकारी जो माध्यमिक स्कूल है वहां पर जो छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की तैनाती होगी। जिन विषयों में छात्र संख्या शून्य हो चुकी है या फिर छात्र संख्या कम हो चुकी है, उन विषयों के शिक्षकों का दूसरे अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल में भेजा जाएगा। मंगलवार को डीजी ने जो शिक्षा झरना है कमठान है उनके द्वारा सभी शिक्षकों को ब्यौरा 1 हफ्ते के अंदर मुहैया कराने के निर्देश भी जारी हुए हैं। बात करते हैं अब सरकारी डिग्री कॉलेज में 70% से सीटें खाली रह चुकी हैं। 4 माह चली प्रवेश प्रक्रिया फिर भी नहीं भरी। देखते सरकारी कॉलेज में पढ़ाई के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान कम हो रहा है। स्थिति यह है कि 4 माह प्रवेश प्रक्रिया चलने के बावजूद भी सरकारी डिग्री कॉलेज में 70% सीटें खाली रह गई हैं। तो ये मामला रखा है, अब तक प्रवेश प्रक्रिया जो है बंद होने से ही सीटें खाली होती थी, लेकिन अब यहाँ पर जारी प्रवेश प्रक्रिया होने के बाद भी सीटें खाली रह चुकी हैं। 285 सीटें ही भरी पाई 3 कॉलेजों में, जबकि 882 जो सीटें हैं वो नहीं भर पाई हैं बताया गया है। कहाँ पर कितने सीटें आवंटित किए गए हैं उसकी स्थिति यहाँ पर जारी करी गई है। कहाँ पर कितने खाली हो चुके हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। कॉलेज का नहीं है भवन, तो कॉलेज का भवन नहीं है, कॉलेज में कुछ कमियाँ होंगी तो इसलिए वजह से नहीं ले पा रहे होंगे, ये एक मामला रहा होगा। और उत्तराखंड के कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी की ओर से यहाँ विज्ञप्ति निकाली गई, जिसमें जो बहुत सारे ठीक है क्रैप वर्कर्स के 4 पद ऐसी, ठीक है क्रैश हेल्पर के 6 पद, ठीक है ऐसे यहाँ अलग अलग पद निकाले गए हैं। विकास नगर डोई वाला सारे अलग अलग शहरों में निकाले गए हैं। इसमें तो आप इसके लिए इंटरमीडिएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए, तो ये पूरा पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं आज की जॉब लोड को लेकर, उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट की ओर से 751 पदों की भर्ती निकाली गई है। 1 नवंबर की लास्ट डेट से नवंबर तक जो है आवेदन कर सकते हैं। यूसी एमसी में निकाले गए हैं नई, एमएससी में निकाले गए हैं नई भर्तियाँ जो कि नई दिल्ली में है 96 पदों पर। CSIR में रिक्तियों के 14 पद निकाले गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 574 पद निकाले गए हैं, जिसमें प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर जो अन्य प्रोफेसर होंगे वो 5 पद हैं। 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ECGC में निकाले गए 40 पद। कोचिंग CPR में निकाले गए हैं 20 पदों की भर्ती। अन्य पद इस तरह का देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ट्रैक।